हेलो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हो। ज्योग्राफी बाय राज कौशल में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में बात की थी, ठीक है। और आप लोगों ने जो उसको इतना अच्छे से देखा है, कमेंट किया है, उसको पढ़ने के बाद तो मेरा मन तो बहुत खुश हो गया और मेरा मन और कर रहा है कि मैं आपके लिए और भी कुछ करूँ, ठीक है। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के बारे में ऑलमोस्ट सब कुछ पढ़ लिया था। फिर हम लोग बात करेंगे कि देखिए, जो अक्षांश यानी लैटिट्यूड और देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड, ये जितनी भी रेखाएं होती हैं, ये सब धरती पर कहीं है नहीं, ये हमारी अर्थ पर कहीं पर एग्जिस्ट नहीं करती, ये एक मनगढ़ंत है, समझ लीजिए, ये एक काल्पनिक रेखाएं। जितनी भी अक्षांश और देशांतर रेखाएं होती हैं, ये सब की सब काल्पनिक रेखाएं होती हैं, हकीकत में कहीं पर भी एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। दोस्तों आज हम लोग बात करते हैं जलधाराओं में। जैसा कि लिखा हुआ है, जलधारा यानी वाटर करंट। तो जो जलधाराएं होती हैं, ये बेसिकली समुद्रों में होती है। समुद्रों में जो पानी यानी जो वाटर बॉडी है, वो जब एक ही डायरेक्शन में जाने लगती है तो हम उसे जलधारा कहते हैं, ठीक है। तो जल्दी से हम लोग मैप बना लेते हैं, क्योंकि तो वाटर करंट हम लोगों को पढ़ना है, तो बिना मैप के नहीं हो पाएगा। ये दोस्तों नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, नॉर्थ अमेरिका से मिला हुआ है। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, ये नॉर्थ अमेरिका। ये साउथ अमेरिका, यहां पर दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है जिसका नाम है ग्रीनलैंड। ये दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है, बाकी यहां पर भी बहुत सारे आइलैंड है जिसे ग्रेट विक्टोरिया आइलैंड कहते हैं, ठीक है। ये हमारा भारत, और दोस्तों भारत के साथ में आपने हमेशा श्रीलंका को जरूर देखा होगा। तो जो श्रीलंका है, ये भारत का एक उपमहाद्वीप है, ठीक है। यहां पर दोस्तों जापान है, ये है जापान। ये है अफ्रीका कॉन्टिनेंट। दोस्तों जब भी अफ्रीका के बारे में हम लोग बात करते हैं, तो अफ्रीका जब बोला जाता है, कभी क्वेश्चन आता है कोई अफ्रीका पूछता, तो अफ्रीका को कभी कभी यहां पर लोग साउथ में बोलते हैं कि साउथ में यहां पर ये अफ्रीका है। दोस्तों अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, एक महाद्वीप है, जबकि यहां दक्षिण में एक देश पड़ता है जिसका नाम है साउथ अफ्रीका। तो अफ्रीका कहें तो पूरे कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं, पूरे महाद्वीप की बात कर रहे हैं, और अगर साउथ अफ्रीका कहें तो एक देश की बात कर रहे हैं, मतलब साउथ अफ्रीका एक कंट्री है अफ्रीका कॉन्टिनेंट का, ठीक है।
थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। यहीं पर एक आइलैंड पड़ता है, इसका नाम है मेडागास्कर। ये है मेडागास्कर, अफ्रीका मेडागास्कर। ये है इंग्लैंड, ये यूरोप। दोस्तों इधर काकेशस पर्वत वगैरह इसको अलग कर देता है एशिया को, एशिया यानी रशिया। ठीक है, यहां पर एक छोटा सा देश पड़ता है, एक आइलैंड ही है ये भी, इसको हम बोलते हैं आइसलैंड। ठीक है दोस्तों, जब भी आपने मैप देखा होगा, वर्ल्ड मैप देखा होगा, तो आपने देखा होगा कि यहां पर ये जो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का ये वाला पार्ट है, इसको हम बोलते हैं अलास्का। ये वाला पार्ट इधर बना होता है, यहां कुछ ऐसे बना होता है, यहां पे लिखा होता है अलास्का। क्यों? क्योंकि यहां पर यानी जापान के पास में, यानी एशिया के ईस्ट में, यहां पर पैसिफिक ओशन पड़ता है, यानी यहां। ठीक है, तो ये है पैसिफिक ओशन, बीच में है अटलांटिक ओशन, ये है मेडिटेरियन सी यानी भूमध्य सागर, और भारत के दक्षिण में इंडियन ओशन यानी हिंद महासागर पड़ता है। ठीक है, तो दोस्तों यहां पर जो जापान वगैरह है, यहां पर पड़ता है ऑस्ट्रेलिया, यह न्यूजीलैंड। ठीक है, तो आपने जब भी देखा होगा वर्ल्ड मैप में, तो आधा पैसिफिक ओशन इधर होता है और आधा पैसिफिक ओशन इधर होता है। लेकिन हमें चूंकि जलधाराओं के बारे में बात करनी है यहां पे, इसीलिए हम पैसिफिक ओशन वाला पार्ट एक पास ले आएंगे, ताकि हमको जलधाराएं बनाने में आसानी हो जाए। भाई हम अटलांटिक ओशन की जलधाराएं तो पूरी बना लेंगे, लेकिन जैसे ही पैसिफिक ओशन की वाटर करेंट्स की बात आएगी, तो हम इधर वाली तो बना लेंगे, लेकिन जो दूसरी तरफ वाली है, यानी हमको इधर बनानी पड़ेगी फिर। इसलिए हम इतने हिस्से को क्या करेंगे, ये वाले हिस्से को, इसको कट करके हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, ताकि पैसिफिक ओशन एक पास आ सके। दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा ओशन है पैसिफिक ओशन, ठीक है, और दूसरे नंबर पे आता है अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन एस आकार का है, क्योंकि एस आकार की एक रिज यानी खाई बनी। ठीक है, तो भारत में जो है, भारत के पास में हिंद महासागर या इंडियन ओशन है, और ये है सऊदी अरब, और सऊदी अरब के पास में है अरेबियन सी। ठीक है, इसीलिए गुजरात और सऊदी अरब के बीच में यहां पर जो समुद्र है, इसको हम बोलते हैं अरब सागर या अरेबियन सी, क्योंकि सऊदी अरब के पास में ही इसीलिए नाम पड़ गया अरब सागर। ठीक है, तो यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं, हम लोग रशिया वाला ये वाला जो पार्ट है, इतना वाला हम लोग इधर बना लेते हैं, ताकि हम जलधाराओं को एक पास बना सकें। ठीक है, ये रशिया है यानी एशिया, एशिया का पार्ट है ये, और यहीं पर है जापान। ठीक है, और दोस्तों यहां पर ये जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया को हम यहां से हटाकर यहां बना लेते हैं, ताकि जलधाराएं एक पास आ। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं यहां दोस्तों, ये है एक एक रेखा है, जिसको आप जानते हो, इसे भूमध्य रेखा के नाम से जाना जाता है। अब इसको हम यहां से मिटा दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमने उधर बना लिया। ठीक है, दोस्तों यहां पर ये जो इक्वेटर लाइन है, इसको हम बोलेंगे इक्वेटर लाइन,
और आपको पता है कि यहाँ पर ये जितना भी व्हाइट वाला पार्ट है ये सब समुद्र है, सब ओशन है, यहाँ पर पानी भरा हुआ है, ठीक है। और हमारी पूरी पृथ्वी पर 71% वाटर बॉडी है और बाकी का 29% लैंड पोर्शन है जो ये महाद्वीपों में कन्वर्ट हो गया, महाद्वीपों में कुछ द्वीपों में मिलकर 29% हो गया जो कि लैंड पोर्शन यानी जमीनी भाग है, हमारा भूभाग है, और बाकी का 71% ये समुद्रों का पानी मिलाकर, ठीक है। इसमें से भी 1% पानी पीने वाला है, जो पूरी दुनिया के लोग उसी 1% में से पानी पीते हैं, ठीक है। तो पीने के लिए बहुत ही कम पानी है हमारे पास, लेकिन समुद्रों का पानी 71% में मिक्स है, यानी 70% समुद्रों का पानी है और 1% फ्रेश वाटर है जो कि हम पीते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहां पर ये जो इक्वेटर लाइन है, अब इस इक्वेटर लाइन के ऊपर का जो आधा हिस्सा बन गया इसको हम बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाला आधा हिस्सा कहलाता है दक्षिणी गोलार्ध यानी सदर्न, ठीक है। लाइन को थोड़ा सीधा कर लेते हैं दोस्तों। यहां पर ये इंडिकेट कर रहा है कि ये हमारी इक्वेटर लाइन है, यानी हमारी इक्वेटर कह लें या 0 डिग्री कह लें, हम इसको इक्वेटर लिख देते हैं, इक्वेटर, ठीक है। भूमध्य रेखा है ये हमारी, इसी को हम विषुवत रेखा के नाम से भी जानते हैं और इसी को हम 0 डिग्री लैटिट्यूड लिखते हैं, यानी 0 डिग्री अक्षांश है, ठीक है। तो दोस्तों वाटर करंट के बारे में बताने के पहले हम ये आपको बताएंगे कि वाटर करंट जो होती है, जो हमारी जलधाराएं होती हैं, ये दो प्रकार की होती है, एक होती है गर्म, एक होती है ठंडी, यानी एक होती है हॉट वाटर करंट, दूसरी होती है कोल्ड वाटर करंट। तो दो मार्कर हम यूज करेंगे, पहली होती है, अब इसके टू पार्ट्स हो जाएंगे, नंबर एक हो जाएगा हॉट वाटर करंट, हॉट नहीं देखो देखो थोड़ा नीचे लिख देते हैं, नंबर वन इट्स हॉट वाटर करंट, गर्म जल धारा, एक होती है गर्म जल धारा हॉट वाटर करंट, और दूसरी होती है दोस्तों कोल्ड वाटर करंट, दूसरी कौन सी, कोल्ड वाटर करंट, ठंडी जलधारा। कुछ जलधाराएं गर्म होती हैं और कुछ जलधाराएं दोस्तों ठंडी होती हैं। तो जितनी भी गर्म जलधाराएं हैं वो सब की सब रेड मार्कर से लिखूंगा, रेड कलर से लिखूंगा, और जितनी भी ठंडी हैं उनका सबका हम नामकरण संस्कार जो करेंगे वो हम ब्लैक पेन से करेंगे, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। हमारी पृथ्वी, आपको पता है कि हमारी पृथ्वी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करती है, यानी पश्चिम से पूर्व या वेस्ट टू ईस्ट हमारी रोटेट करती है पृथ्वी। और हमारी जो पृथ्वी है, चूंकि पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं इसीलिए ब्लू मार्कर ले लेते हैं, तो दोस्तों हमारी जो अर्थ है, अर्थ की ये एक्सिस कहलाती है, और इस एक्सिस पर हमारी अर्थ 23.5 डिग्री टिल्ट है, उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज यानी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, और ये ऐसे ही हमारी पृथ्वी घूमती रहती है, ठीक है। ऐसे हमारी अर्थ घूम रही है और अनवरत घूमती रहती है, पृथ्वी के इसी घूमने को हम कहते हैं घूर्णन, और इसी घूर्णन की वजह से दिन और रात होते हैं, ठीक है, ये बात भूलिएगा, ठीक है। बीच बीच में हम आपको रिवाइज करवाते रहेंगे, टेंशन मत लीजिए। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं गर्म जलधाराएं। तो दोस्तों जब पहली बार पृथ्वी घूमना स्टार्ट हो गया, ऐसा तो है नहीं कि हमेशा घूमती ही रही है, पहले कभी ना कभी कोई ना कोई एक ऐसी स्थिति होगी जब पृथ्वी रुकी हुई होगी, और जब पृथ्वी रुकी हुई होगी तो पानी भी रुका हुआ होगा। लेकिन पहली बार जब पृथ्वी ने घूमना शुरू किया होगा तो पृथ्वी के घूर्णन की वजह से धीरे धीरे पानी ने भी घूमना शुरू किया होगा, जबकि अगर पृथ्वी जब रुकी होगी तो पानी भी रुका ही होगा, पानी सब स्थिर होगा, कहीं वो घूम नहीं रहा होगा, क्योंकि पृथ्वी घूमी इसीलिए पानी को मजबूरन घूमना पड़ा।
तो जैसे ही पृथ्वी, आपको पता है पृथ्वी हमारी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करती है, यानी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, तो जैसे ही पृथ्वी ने एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन शुरू किया, धीरे धीरे पानी भी क्लॉकवाइज चलने लगा। क्यों? क्योंकि पानी नहीं चाहता कि वो चले, लेकिन जबरदस्ती चलना पड़ रहा था, क्योंकि पृथ्वी घूम रही है और पृथ्वी के घूमने या घूर्णन की वजह से पानी को चलना पड़ रहा है। जैसे उदाहरण देते हैं, हमने आपको बताया कि हमारी पृथ्वी एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, लेकिन पानी क्लॉकवाइज घूमता है। कैसे? जैसे मान लीजिए आप किसी बर्तन में, किसी थाली में पानी ले लीजिए और पूरी थाली में पानी भरा हुआ है, और एक झटके से उसको एक साइड में कर दीजिए, तो जिधर भी आप लेफ्ट करोगे तो पानी राइट में गिरेगा, और अगर राइट में बढ़ाओगे थाली पानी सहित, तो पूरा का पूरा लेफ्ट में पानी जाएगा। ठीक है? जबकि बढ़ाया आपने अगर लेफ्ट में है तो पानी लेफ्ट में गिरना चाहिए था, लेकिन वो राइट हैंड में, राइट साइड में जाएगा। क्यों? क्योंकि पानी नहीं चाहता वो चले, पानी रुकना चाहता है, लेकिन यहां चूंकि पृथ्वी हमारी अनवरत कंटिन्यूअसली रोटेट करती है, इसीलिए पानी भी मजबूरी में चलना स्टार्ट करता है। तो जब पहली बार पानी चलना स्टार्ट किया होगा, तो दोस्तों यहां पर ये चूंकि हमारी जो अर्थ है वहां वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है, लेकिन जो वाटर बॉडी है वह हमेशा ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करता है। रोटेट क्या? बहता है, ठीक है, फ्लो करता है। यहां पर हम आपको समझाने के लिए बना लेते हैं, क्योंकि दोस्तों मैंने आपसे प्रॉमिस किया हुआ है कि मैं सब कुछ मैपिंग से ही पढ़ाऊंगा, ठीक है, तो आपको पूरा का पूरा क्लियर समझ में आ जाए, इसके लिए मैं मैप से आपको जरूर पढ़ाऊंगा, पूरा का पूरा क्लियर कर दूंगा। ठीक है? दोस्तों आता है नाम, कि क्या नाम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे। तो दोस्तों ये जो पानी है, चूंकि हमारी पृथ्वी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है, तो पानी हमेशा क्लॉकवाइज घूम रहा है। अब हम एरो देख के भी जान सकते हैं कि पानी हमारा किधर से किधर को आ रहा है। दोस्तों ये वाली डायरेक्शन हमेशा ईस्ट होती है, इधर हमेशा वेस्ट होती है, ऊपर हमेशा नॉर्थ होती है और नीचे हमेशा साउथ होती है। जैसे आपने ऐसे देखा होगा, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ऊपर नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है। तो ये चूंकि पानी में एरो हमने ऐसे बनाया है, यानी ईस्ट ऐसे बनाया है, ये ऐसे समझ लो, ऐसे कर लो, ऐसे, ये ईस्ट टू वेस्ट पानी बह रहा है। ठीक है? ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है, हमारा जो समुद्रों का पानी है वो हमेशा ईस्ट टू वेस्ट बहता है। क्यों? क्योंकि हमारी अर्थ वेस्ट टू ईस्ट यानी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करती है, इसलिए क्लॉकवाइज चलता है। ठीक है? हमेशा ऐसे ही चलेगा। तो दोस्तों यहां पर ये जो इक्वेटर के ठीक ऊपर पानी है, इसको हम बोलते हैं इक्वेटोरियल वाटर करंट। क्या बोलते हैं? इक्वेटोरियल। अब देखो दोस्तों, हम लोग वाटर करंट पूरा नहीं लिखेंगे, वाटर को लिखेंगे W और करंट को लिखेंगे C, वाटर करंट, ताकि आसान हो जाए, वरना वाटर करंट बहुत बड़ा हो जाएगा और ऑलरेडी जगह कम है, अभी बहुत कुछ लिखना है। ठीक है? तो ये है इक्वेटोरियल वाटर करंट, हिंदी में हम कहेंगे विषुवतीय। इक्वेटर माने विषुवत रेखा, और इक्वेटर से बना इक्वेटोरियल, तो विषुवत रेखा से बना विषुवतीय, तो इसको हम कहेंगे हिंदी में विषुवतीय जलधारा, विषुवतीय जलधारा, इक्वेटोरियल वाटर करंट या विषुवतीय जलधारा। दोस्तों जो उत्तरी गोलार्ध में होगी, यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो वाटर बॉडी होगी इक्वेटर के ठीक ऊपर, उसको हम कहेंगे नॉर्दर्न इक्वेटोरियल वाटर करंट। बस इसके सामने नॉर्दर्न लगाना है, क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो हम कहेंगे नॉर्दर्न इक्वेटोरियल वाटर करंट, उत्तरी विषुवतीय जलधारा, उत्तरी विषुवतीय जलधारा। और वही दोस्तों हम क्रम करेंगे दक्षिण में, चूंकि दक्षिण में होगा तो दक्षिणी गोलार्ध में पहुंच जाएगा, इसीलिए हम कहेंगे सदर्न हेमिस्फीयर में है, इसीलिए इसका नाम पड़ेगा
सदर्न इक्वेटोरियल वाटर करंट, क्या नाम पड़ेगा? सदर्न इक्वेटोरियल वाटर करंट यानी दक्षिणी विषुवतीय जलधारा, दक्षिणी विषुवतीय जलधारा। दोस्तों समझ में आ रहा है? ठीक है, तो यहां पर इक्वेटर पर जो पानी होगा वो जो जलधारा होगी हम उसको कहेंगे विषुवतीय जलधारा या इक्वेटोरियल वाटर करंट, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होगी उसको हम कहेंगे नॉर्दर्न इक्वेटोरियल वाटर करंट, जो सदर्न हेमिस्फीयर में होगी इसको हम कहेंगे सदर्न इक्वेटोरियल वाटर करंट यानी दक्षिणी विषुवतीय जलधारा। ठीक है ना, पानी अब ये आगे बढ़ रहा है, तो दोस्तों ऐसा नहीं हो सकता कि पानी आगे ही बढ़ता जाए। ठीक है, जैसे ही पानी अफ्रीका कॉन्टिनेंट से टकराएगा तो कुछ पानी ऊपर की ओर मुड़ जाएगा, ऐसे कुछ पानी नीचे की ओर भी मुड़ जाएगा। भाई ये लैंड पोर्शन है, ठोस जमीन है, भूभाग है, इसी पर देश बसे हुए हैं बहुत सारे, तो यहां पर ये जो ऊपर की ओर जो पानी मुड़ जाएगा इसका नाम अलग हो जाएगा, नीचे हो जाएगा जो जाएगा इसका नाम अलग हो जाएगा। लेकिन दोस्तों इस प्रक्रिया के साथ साथ एक और प्रक्रिया होगी, क्या? पानी जब टकराएगा तो मुड़ेगा तो जरूर, लेकिन कुछ पानी वापस भी आएगा, उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में भी। दोस्तों ये जो पानी वापस आता है इसको हम कहते हैं वापस आ रहा है, यानी इस जलधारा जो पूरब से पश्चिम की ओर जा रही है इसकी ये उल्टा आ रहा है, यानी अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, इसीलिए हम इसको कहते हैं प्रति। प्रति माने इंग्लिश में कहेंगे एंटी। अब अगर इस जलधारा का नाम कहें, चूंकि इक्वेटर पर है तो हम इसी के पहले अगर इंग्लिश वाले के पहले एंटी लगा देंगे तो जो अपोजिट डायरेक्शन में जो ग्रीन से हमने बनाई है इस जलधारा का नाम हो जाएगा, जैसे रेड से हमने बताई थी इक्वेटोरियल वाटर करंट है, लेकिन जो वापस आ रही है इसको हम अगर एंटी कह देंगे तो कहेंगे एंटी इक्वेटोरियल वाटर करंट, और अगर हिंदी में कहेंगे तो चूंकि लाल वाली जो पानी जा रहा है पूरब से पश्चिम उसको हमने कहा था विषुवतीय जलधारा, और हिंदी में प्रति कहेंगे जो वापस आ रही है जलधारा इधर से जो पूरब की ओर जा रही है तो हम प्रति लगा देंगे तो प्रति विषुवतीय जलधारा, और इसके सामने अगर हम एंटी लगा देंगे तो एंटी इक्वेटोरियल वाटर करंट, यानी इसका नाम हो जाएगा एंटी इक्वेटोरियल वाटर करंट, हिंदी में कहेंगे प्रति विषुवतीय जलधारा। समझ में आ रहा है दोस्तों? आशा करते हैं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा हो। अगर अभी तक किसी ने चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों नहीं किया है तो प्लीज उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है तो कुछ ना कुछ यहाँ पर दिखना भी चाहिए, ताकि मुझे और हौसला मिले और मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो ला सकूं। ठीक है, चलिए, थैंक यू, और अभी इसको अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए ताकि जो और पढ़ने वाले लोग हैं उनको भी फायदा मिले। ठीक है, क्योंकि पता नहीं किस एग्जाम में कहां से कौन क्वेश्चन आ जाए दोस्तों, और ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप लगाओगे तो आपको यहां से क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, और आप जो मैं तरीका बता रहा हूं इस तरीके को आप अप्लाई करिएगा, 100% आपका सवाल सही होगा। ठीक है, चलिए नाम लिखते हैं आगे। यहां पर जैसे ही ये पानी ऊपर की ओर मुड़ता है दोस्तों, यहां पर एक कंट्री पड़ता है, यहां पर एक देश है, इस देश का नाम है सोमालिया। सोमालिया के नामकरण के कारण यहां पर ये जो जलधारा है इस जलधारा का नाम सोमालिया के नाम पे पड़ गया, इसका नाम पड़ गया सोमालियन वाटर करंट यानी सोमालिया की जलधारा। और दोस्तों यहां पर ये जो नीचे की ओर हमने वाटर बॉडी बनाई है जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट से टकराने के बाद नीचे की ओर मुड़ गई, ये मेडागास्कर है, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, और यहां पर एक देश पड़ता है साइड में, इस देश का नाम है मोजाम्बिक। दोस्तों इसी मोजाम्बिक के नाम पर इस जलधारा का नाम पड़ गया मोजाम्बिक की जलधारा, यहां पर हम लिख देते हैं मोजाम्बिक WC यानी वाटर करंट, मोजाम्बिक की जलधारा।
ये है मोजाम्बिक की जलधारा, ऊपर वाली सोमालिया की जलधारा या सोमालियन वाटर करंट। दोस्तों यहां पर चूंकि समुद्र है तो पानी मुड़ेगा, कुछ पानी इधर से भी मुड़ेगा। तो दोस्तों चूंकि ये वाला जो हमने आइलैंड बनाया है इसका नाम है मेडागास्कर, ठीक है, यहां पे नाम लिख देते हैं। मेडागास्कर, और मेडागास्कर के नाम पर इस जलधारा का जो नाम पड़ेगा उसको हम कहेंगे मेडागास्कर की जलधारा, मेडागास्कर वाटर करंट। दोस्तों अगर वो मेडागास्कर कहेंगे तो आपको पता नहीं चल जाएगा कि ये वाली ही जलधारा पूछ रहे हैं, इसीलिए मेडागास्कर वो कम पूछता है। मेडागास्कर का ही एक और नाम है जो पेपर में अक्सर सवाल पूछा जाता है, मेडागास्कर का ही दूसरा नाम है मालागासी। मेडागास्कर या मालागासी की जलधारा। अब दोस्तों मालागासी जैसे ही पूछेंगे आधे लोगों को समझ में नहीं आएगा मालागासी कहां से आ गई है, ये कौन सी माला है, वैजयंती माला है कि कौन सी माला है। इसीलिए दोस्तों नाम याद रखना बहुत जरूरी है, तो जितना ज्यादा रिवाइज करेंगे, जितना रिपीट करेंगे उतना ही आपको याद हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, यहां पर ये पानी आगे बढ़ा और दोस्तों यहां पर फिर वही होगा जो यहां पर हुआ था, टकराने के बाद ऊपर और नीचे मुड़ गया था, तो कुछ पानी इधर की ओर मुड़ेगा, कुछ पानी इधर की ओर मुड़ेगा। दोस्तों आपको यहां पर पता है कि यहां पर एक देश पड़ता है जिसको हम कहते हैं ब्राजील, और ब्राजील में दोस्तों अमेजन रिवर बहती है, ठीक है, और अमेजन रिवर अमेजन बेसिन बनाती है, और अमेजन बेसिन से अमेजन जंगल फलता फूलता है। दोस्तों अमेजन नदी की पूरी देन है जो अमेजन जंगल इतना विकसित और इतना विकराल है, ठीक है, आज भी हम पूरी पूरी तरीके से अमेजन के बारे में नहीं जानते। और यहीं पर एनाकोंडा सांप भी पाए जाते हैं जो दुनिया के सबसे बड़े सांप होते हैं। तो यहीं पर ब्राजील के नाम पे इस जलधारा का नाम पड़ गया, ब्राजीलियन वाटर करंट, नाम नहीं देते यहां पे ब्राजीलियन वाटर करंट या ब्राजील की जलधारा। दोस्तों ये वाटर बॉडी ऊपर मुड़ेगी, यहां पर इसका नाम पड़ जाता है एंटलीज की जलधारा, एंटलीज वाटर करंट। दोस्तों यहां पर पानी और आगे मुड़ेगा। अच्छा एक चीज और बताना चाहूंगा, यहां पर दोस्तों एक समुद्र पड़ता है, यहां पर इसका नाम है कैरेबियन सी या कैरेबियन सागर, और इसी कैरेबियन सागर के कई सारे आइलैंड्स को मिलाकर, यहां पर कैरेबियन सागर के मैंने बताया कि कई सारे आइलैंड्स हैं, बहुत सारे, और उन्हीं में से कुछ आइलैंड्स को मिलाकर वेस्ट इंडीज नामक देश में, जो आप सुनते हो यहां पर वेस्ट इंडीज को बसाया गया है कैरेबियन सी, तो कैरेबियन सी लिखूंगा नहीं क्योंकि तो ऑलरेडी मैं जलधाराओं की बात कर रहा हूं। तो यहां पर दोस्तों ये वाला आगे बढ़ेगा और ये गल्फ स्ट्रीम, यहां पर ये चूंकि यहां पर दोस्तों ये एक देश है इसका नाम है मैक्सिको, और मैक्सिको के पड़ोस में ये जो सी शेप में बना हुआ है ये मैक्सिको की खाड़ी है, इसको बोलते हैं गल्फ ऑफ मैक्सिको, गल्फ ऑफ मैक्सिको या मैक्सिको की खाड़ी। और यहीं से ये जब वाटर बॉडी आगे बढ़ेगी तो इसी यहां पर इसका नाम हो जाता है गल्फ ऑफ मैक्सिको की वजह से गल्फ स्ट्रीम नाम पड़ जाता है दोस्तों, ठीक है, यहां पर लिख देते हैं गल्फ स्ट्रीम। दोस्तों स्ट्रीम का मतलब होता है धारा। अब यहां पर ये जो वाटर बॉडी है ये विकराल रूप से आगे बढ़ती है, ठीक है। दोस्तों एक चीज और बताना चाहेंगे, यहां पर एक जगह है, एक प्लेस है, इसका नाम है फ्लोरिडा, और इसी फ्लोरिडा की वजह से यहां पर एक जलधारा का निर्माण होता है, इसको हम बोलते हैं फ्लोरिडा की जलधारा या फ्लोरिडा वाटर
करेंट। दोस्तों ये सब रेड मार्कर से बना रहा हूं और जितनी भी रेड मार्कर से बनाऊंगा वो सब की सब हॉट वाटर करंट या गर्म जल धाराएं होंगी। तो दोस्तों अभी मैं सब गर्म जल धाराएं ही बना रहा हूं, अभी मैंने ठंडी शुरू नहीं करी है, ठीक है। ये सब की सब गर्म जल धाराएं। तो दोस्तों यहां पर गल्फ स्टीम की जलधारा हो गई जो कि गर्म है और पानी की यहाँ कोई कमी नहीं है, इसीलिए पानी बहुत ज्यादा है दोस्तों यहाँ पे। लेकिन जैसे ही आगे बढ़ते हैं अब यहाँ पर इतना ज्यादा पानी हो गया जो अटलांटिक ओशन में, क्योंकि दूर दूर तक पानी को यानी जलधारा को रोकने वाला कोई नहीं है, इसीलिए इसका वेग बहुत बढ़ जाता है और यहाँ पर विकराल रूप ले लेती है। और दोस्तों इसी का नाम पड़ जाता है नॉर्दर्न ड्रिफ्ट, ठीक है। दूसरे पंजे नॉर्दर्न ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट का मतलब होता है प्रवाह, यानी जब वाटर बॉडी एक ही दिशा में बहुत ज्यादा वेग से और बहुत ज्यादा वाटर के साथ आगे बढ़ती है तो दोस्तों इसी को प्रवाह कहा जाता है, प्रवाह यानी ड्रिफ्ट। और चूंकि ये ऊपर की ओर जा रही है दोस्तों और यहां पर विंड का भी इफेक्ट होता है, चूंकि यहां पर हाई प्रेशर बेल्ट पड़ती है 23.5 डिग्री से 35 डिग्री के बीच, यानी कर्क रेखा से अश्व अक्षांश या हॉर्स लैटिट्यूड के बीच, और हॉर्स लैटिट्यूड 35 डिग्री पर होता है, ठीक है, उसी को हॉर्स लैटिट्यूड या अश्व अक्षांश कहते हैं। तो दोस्तों वहां से हाई प्रेशर बेल्ट से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पोल की ओर एक विंड चलती है जिसको हम बोलते हैं, तो बताएगा कौन क्या बोलते हैं, हो सकता है आप लोगों ने विंड अभी ना पढ़ी हो इसीलिए आपको नाम नहीं याद आएगा, कोई बात नहीं मैं बताता हूं। यहां पर वेस्टर्ली चलती है, वेस्टर्ली को बोलते हैं पछुआ पवन, ठीक है, पछुआ पवन या वेस्टर्ली। तो दोस्तों इसी को पछुआ जेट भी कहते हैं। तो यहां पर चूंकि वेस्टर्ली चलती है इसीलिए यहां ईस्ट की ओर को फ्लो करती है, ठीक है, और यहां पर यह पानी गर्म होता है और आगे जाता है, बहुत ज्यादा वाटर बॉडी है। और दोस्तों यहां पर एक देश है, आपको पता है इस देश का नाम है नॉर्वे, और नॉर्वे देश की सभ्यता दोस्तों बहुत ही पुरानी सभ्यताओं में से एक, यहां पर बहुत ज्यादा वाटर बॉडी है और ये सब का सब नॉर्वे के जो यहां पर साइड में ये जो कोस्टल एरिया है साइड में, इस कोस्टल एरिया में चूंकि यहां पर हाई लैटिट्यूड से बहुत उच्च अक्षांश पर हम पहुंच गए हैं, एकदम नॉर्थ पोल के पास में पहुंच गए हैं, इसीलिए यहां पर पानी में आइसबर्ग तैर रहे होते हैं। आइसबर्ग क्या होते हैं दोस्तों? दोस्तों आइसबर्ग उसे कहते हैं जैसे बर्फ का पहाड़, हिंदी में कहेंगे बर्फ का पहाड़। और आइसबर्ग में एक खास बात होती है, जितना हिस्सा ऊपर दिखता है उसका 9 गुना हिस्सा पानी के अंदर होता है, ठीक है, ये खास बात होती है। ऐसे ही किसी आइसबर्ग से टाइटेनिक जहाज टकरा गया था और टूट गया। दोस्तों टाइटेनिक के बारे में दुनिया में शायद ही ऐसा कोई हो जो ना जानता हो, ठीक है। यहां पर ये जो नॉर्दर्न ड्रिफ्ट या उत्तरी प्रवाह होता है, यह नॉर्वे के बंदरगाह में जो कोस्टल एरिया में जो बर्फ जमी होती है, गर्म पानी पड़ने की वजह से बर्फ यानी आइस मेल्ट होती है यानी पिघल जाती है और नॉर्वे के बंदरगाह खुल जाते हैं ट्रेड के लिए, आवागमन के लिए, ठीक है। तो यहां पर नॉर्दर्न ड्रिफ्ट यानी पश्चिम उत्तरी प्रवाह जो होता है, उत्तरी प्रवाह या नॉर्दर्न ड्रिफ्ट, इस वजह से नॉर्वे के बंदरगाह पूरे वर्ष भर खुले रहते हैं और यहां पर इसीलिए प्राचीन समय से यहां पर सभ्यता निवास करती है, ठीक है। दोस्तों आगे हम लोग बात करते हैं, यहां पर एक जलधारा इधर से निकल जाती है आइसलैंड के और ग्रीनलैंड के बीच से, इसको बोलते हैं इर्मिंग की जलधारा। इर्मिंग की जलधारा को ही दोस्तों इर्मिंजर भी कहा जाता है, इर्मिंजर। और दोस्तों यहां पर जैसे ही नॉर्वे के बंदरगाह पर जलधारा टकराती है तो कुछ पानी इधर भी मुड़ जाता है, यानी नॉर्वे और इंग्लैंड के बीच में पानी मुड़ता है यूरोप की ओर, यूरोप का एक देश है नॉर्वे, ठीक है। और नॉर्वे को ही दोस्तों
ज्योग्राफी में कहा जाता है कि नॉर्वे में आधी रात के समय भी सूर्य दिखाई पड़ता है, इसीलिए इसे मिड नाइट सन कंट्री या मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है नॉर्वे को, इसलिए फेमस बहुत है। ठीक है, इसका दोस्तों नाम है रेनले की जलधारा, ये सब की सब गर्म जलधारा है। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं। यहां पर दोस्तों ये जो वाटर बॉडी है अब यहां पर आएगी, तो यहां पर चूंकि जगह ही है, सारा पानी ही पानी है और पानी को रोकने वाला कोई नहीं है, तो एक वाटर बॉडी यहां पर आती है, ऐसे निकल जाती है। यानी अगर कोई भी जलधारा, इसको दोस्तों बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया, यह है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, यह है जापान, ऑस्ट्रेलिया की ईस्ट से जो वाटर करंट निकलती है इसको बोलते हैं ईस्टर्न ऑस्ट्रेलियन वाटर करंट, पूर्वी ऑस्ट्रेलियन जलधारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलियन जलधारा। ठीक है दोस्तों, अब पानी ऊपर की ओर जा रहा है यहां पे, क्योंकि वाटर बॉडी है, कहीं भी पानी जाएगा, पानी तो कोई रोक ही नहीं सकता कहां जाए, तो यहां पर ये वाला वाटर बॉडी जो जापान और एशिया के बीच में ऊपर की ओर नॉर्थ पोल की ओर जा रहा है दोस्तों, इसका नाम है सुशीमा की जलधारा, इसको बोलते हैं सुशीमा की जलधारा। सुशीमा की जलधारा, ठीक है, पढ़ने में आ रहा है, हाँ ठीक है, सुशीमा की जलधारा। दोस्तों यहां पर एक और वाटर बॉडी ऊपर की ओर जा रही है जो कि जापान की ईस्ट से जाती है, इसका दोस्तों नाम चेंज होता हो जाता है, इसको हम बोलते हैं क्यूरोशियो। ठीक है, यहां पर दोस्तों एक वाटर करंट और है, अलास्का के पास चलती है, इसको हम बोलते हैं अलास्कन वाटर करंट या अलास्का की जलधारा, अलास्कन वाटर करंट या अलास्का की जलधारा। दोस्तों ये जितनी भी जलधाराएं हैं ये सब की सब गर्म जलधाराएं, ठीक है, ये सब की सब गर्म जलधाराएं हैं, आप देख लीजिए एक बार, ये सब की सब गर्म जलधाराएं हैं, और इन जलधाराओं के लिए चूंकि हमारी अर्थ एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करती है, इसीलिए हमेशा पानी ये ईस्ट टू वेस्ट यानी क्लॉकवाइज चलता है। अब देखिए यहां पर पानी आएगा, ऊपर की ओर जाएगा, चूंकि बराबर पृथ्वी घूम रही है एंटी क्लॉकवाइज, इसीलिए पानी बराबर आता जाएगा और यहां जाएगा और ऊपर की ओर मिक्स होता जाएगा। यहां पानी ज्यादा गर्म होगा क्योंकि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में सूर्य की किरणें पूरे वर्ष भर रहती हैं, इसीलिए इसे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र या ट्रॉपिकल जोन कहते हैं। अभी हम दोस्तों इसके बारे में अगला वीडियो बनाएंगे, इसमें हम उष्ण कटिबंध कहाँ होता है, शीतोष्ण कटिबंध कहाँ होता है, उपोष्ण कटिबंध किसे कहते हैं, इनके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों यहां पर ये जो बीच का क्षेत्र होता है इसे हम उष्ण कटिबंध या ट्रॉपिकल जोन कहते हैं, और यहां पर चूंकि पूरे वर्ष भर सूर्य की किरणें होती हैं, इसीलिए यहां पर मैक्सिमम टेम्परेचर साल भर बना रहता है, पूरे वर्ष भर सबसे ज्यादा गर्मी यहीं पड़ती है, इसीलिए ये पानी गर्म हो जाता है। और चूंकि हमारी पृथ्वी एंटी क्लॉकवाइज हमेशा रोटेट करती रहती है, घूर्णन करती रहती है, इसीलिए पानी क्लॉकवाइज हमेशा चलता है। आगे दोस्तों बात करते हैं, यहां पर ये जो जलधारा है यहां पर गल्फ स्ट्रीम, उसके बाद नॉर्दर्न ड्रिफ्ट, यानी बहुत ज्यादा मात्रा में वाटर बॉडी एक ही डायरेक्शन में एक साथ आगे बढ़ रही होती है, यहां पर मेल्ट होते रहते हैं जो बड़े बड़े आइसबर्ग होते हैं, आइसबर्ग के मेल्ट होने से वाटर लेवल बढ़ता है। दूसरी बात, यहां पर जो ये नॉर्दर्न ड्रिफ्ट है ये गर्म होगी, ऊपर का पानी जो हाई लैटिट्यूड्स पर है वो पानी ठंडा होगा, तो ठंडा पानी गर्म पानी में मिक्स होगा, गर्म वाला पानी ये वाला जो है नॉर्दर्न ड्रिफ्ट वाला ये कुछ ठंडे पानी में मिक्स होगा, यानी आपस में मिक्सअप होगा। ठीक है,
इसीलिए गर्म वाला उतना गर्म नहीं रहेगा जो यहाँ पे था, और ठंडा वाला उतना ठंडा नहीं रहेगा जो पहले से भरा हुआ था। वो कुछ मिक्स हो जाएगा, तो ठंडा वाला कुछ गर्म होगा, और जो गर्म पानी था वो जो गर्म जलधारा थी वो थोड़ा सा ठंडी होगी।